बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला के आकस्मिक और असामयिक निधन से उनके फैंस का दिल टूट गया है और आज भी अभिनेता की गैर मौजूदगी लोगों को खल रही है। अभिनेता का 2 सितंबर को निधन हो गया था। खैर, दिव्यांगत अभिनेता के हमशक्ल चंदल विल्फ्रीन खुद को जूनियर सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं और अभिनेता की निधन के बाद उनका वीडियो वायरल हो रहा है। चंदन के एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो सिद्धार्थ के डायलॉग्स और उनके व्यवहार को कॉपी या नकल करते हैं। चंदन ने वीडियो बनाकर दिव्यंगत सिद्धार्थ के डायलॉग को लिपसिंग करके फैंस का बहुत ध्यान खींचा है। चंदन दिव्यंगत अभिनेता से मिलते जुलते हैं और सिद्धार्थ के प्रशंसक उनके वीडियो को भी बहुत पसंद करते हैं। एक बार खुद सिद्धार्थ को भी चंदन का वीडियो बहुत पसंद आया था जिसमें ब्रोकन बट ब्यूटिफुल 3 के एक डायलॉग की वो नकल कर रहे थे। हालांकि अब लोगों के एक वर्ग ने उनके वीडियो के लिए चंदन की खिंचाई की है और उन्हें दिव्यंगत अभिनेता की नकल करना बंद करने के लिए भी कहा है। दिव्यंगत अभिनेता की यादों को उनके नाम और प्रसिद्ध के लिए इस्तेमाल करने के लिए नेटिजन्स ने चंदन को कोसा है। वैसे अपने आइडल सिद्धार्थ की तरह चंदन भी ट्रोलर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपको बता दें, एक इंटरव्यू में चंदन ने कहा कि इस समय मैं बहुत अभिभूत और भावनाओं का मिश्रण महसूस कर रहा हूं। सिद्धार्थ शुक्ला की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। मैं पुराने दिनों से उनके प्रशंसक रहा हूं। जब वह हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में दिखाई दिए थे, जब वह बिग बॉस 13 में आए तो वो मेरी प्रेरणा और आदर्श बन गए। तभी मैंने उनका वीडियो टिकटॉक पर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने वीडियो से मिली प्रतिक्रिया पर और प्रतिक्रियाएं भी दी। चंदन ने कहा कि अगर आप लोगों के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं लोगों की टिप्पणियों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप में नहीं बांटता। हालांकि मुझे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही है। जहां लोग बहुत भावुक होते हैं, वे मेरे साथ तस्वीरें लेते हैं और मुझे आशीर्वाद भी देते हैं। मैं जो करता हूं उसके साथ चलते रहने के लिए कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनता हूं कि लोग सिद्धार्थ के वीडियो को देखकर खुश होते हैं और मुझे ताकत मिलती है, आगे बढ़ने के लिए मजबूत भावना मिलती है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।